हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज योर साइंस क्लास। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर स्टडी वी विल टेक अ प्लेज। आई अंजलि राणा कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, students, now we will start our first chapter of 5th class. So this is your first chapter, more about plants. As the name suggests, ki is chapter mein hum kiske bare mein padhenge? We will study about more about plants, means about plants ke bare mein hum is chapter mein study karenge. Okay, so the very first topic is reproduction in plants. Reproduction in plants क्या होता है? All living things reproduce. As you know, जो all living things होती हैं वो reproduce होती हैं, आगे से आगे बनती हैं. Okay? Plants and animals reproduce to create more of their kinds. जो plants और animals होते हैं वो reproduce होते हैं किस में? आगे से आगे, means अपनी अपने तरह से. जैसे plant है, अब एक plant से उससे उसका सीड होगा, जो उस सीड से क्या होगा उसी तरह का प्लांट बनेगा, है ना? सो द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री है, मैंगो के जो सीड होता है, मैंगो के सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो होता है, तो वो क्या हो रही है? रिप्रोडक्शन हो रही है. आगे से आगे उसकी जो काइंड है वो बनती जा रही है. We see a variety of plants in our surrounding. Plants reproduce in various way. जो plants है वो अलग अलग तरीके से reproduce होता है. हमारे आसपास क्या है? कई तरह की variety हैं plants की. हम क्या देखते हैं? हमारे आसपास plants लगे होते हैं अलग अलग तरह के, है ना? तो कैसे reproduce होता है वो अलग अलग वे में. First है from seeds, जो बीज होते हैं. कुछ plants है वो बीज से बनते हैं, है ना? नेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ का जो प्लांट होता है वो किससे बनता है? वो बीज से नहीं बनता, उसके सीड से नहीं बनता. जो उसकी एक कलम होती है ना, जो उसकी स्टेम होती है, तो उसको काट के क्या बनता है? न्यू जो रोज़ का प्लांट है वो ग्रो होता है. ओके, थर्ड है फ्रॉम स्पोर्स. सो नाउ we will study in deeply. First reproduction from seeds, जो बीज से बनते हैं, उसके सीड से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे कैसे ग्रो होता है. मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स, फ्रूट्स कंटेन सीड इन साइड दैम. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड इन दैम, सम हैव अ फ्यू सीड्स, वाइल सम अदर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. कि ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स, उनमें फ्लावर्स लगते हैं, है ना? आपने देखा होगा सब प्लांट्स के फ्लावर्स लगते हैं. फ्लावर्स किस में ग्रो होते हैं? फ्लावर्स से क्या बनता है? फ्रूट्स बनते हैं. ठीक है, जो हर एक पेड़ पर छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं उसमें से क्या होता है? उसमें से फ्रूट्स निकलता है. फिर फ्रूट्स कंटेन सीड्स, हर फ्रूट में फिर सीड्स होता है, है ना? किसी में एक सीड पाया जाता है, किसी फ्रूट में ज़्यादा थोड़े सीड्स होते हैं, मीन्स मोर देन वन सीड्स. ओके, और किसी में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पपाया में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं. ठीक है, और जो मैंगो होता है, मैंगो में वन सीड होता है ओनली. तो ये क्या है, बताया है कि फ्रूट्स के अलग अलग सीड्स होते हैं, मीन्स उसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, उसी से क्या बनता है? रिप्रोडक्शन होती है. फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है? जो बीज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑल्दो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स मे डिफर इन साइज, शेप एंड कलर.
जो प्लांट्स है, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट सीड्स होते हैं, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स में डिफरेंट और कलर में भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। दे हैव पार्ट्स विच आर कॉमन, बट उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। द सीड्स हैव ए हार्ड कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो सीड दिखाई देता है जैसे हमें, जो बाहर वाली लेयर्स है उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट, मीन्स उसको जो कवर करके रखता है ना। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बींग डैमेज, ये क्या है, सीड को कवर करके रखता है, क्यों, उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है डैमेज होने से। डू यू नो वॉट इज इनसाइड अ सीड, क्या आप जानते हैं कि जो सीड है उसके इनसाइड में क्या होता है, बीज के इनसाइड में क्या होता है। चलो हम यहाँ पे अभी एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पर एक प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। सोक अ फ्यू बीन सीड्स फॉर 2-3 डेज, बीन सीड को हम 2-3 दिन के लिए भिगो कर रख लेते हैं पानी में। ऑब्जर्व द सोक बीन सीड्स, उनको ऑब्जर्व करते रहना है सीड को कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। यू विल नोटिस दैट द सीड स्वेल अप, आपको क्या लगेगा, क्या नोटिस होगा कि वो स्वेल अप हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में ना। एंड द सीड कोट बिकम सॉफ्ट, और जो सीड है वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया है, पानी में भीगने की वजह से वो सॉफ्ट हो गया और वो थोड़ा स्वेल हो गया है। स्प्लिट द बीन सीड एंड ऑब्जर्व व्हाट्स इनसाइड इट, उसको हम बीच में से खोलते हैं और उसमें क्या देखते हैं। यू विल सी सीड लीव्स, उसमें आपको दिखाई देंगे, जैसे ये सीड है इसको हमने खोल दिया है, उसमें पत्ते दिखाई देते हैं, सीड लीव्स दिखाई देता है। द सीड लीव्स इनसाइड अ सीड आर कॉल्ड कॉटिलीडन, इसको क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन्स। दीज कॉटिलीडन्स कंटेन ऑल द फूड सप्लाई फॉर द बेबी प्लांट, जो वो सीड है, सीड के अंदर जो कॉटिलीडन पाया जाता है वो क्या करता है, वो कंटेन करता है किसको, फूड सप्लाई को, बेबी प्लांट की जो फूड सप्लाई है, मतलब जो बेबी प्लांट उसमें से निकलेगा सीड प्लांट में, सीड्स में दे तो उसमें क्या होगा, उसको वो फूड की सप्लाई देता है कॉटिलीडन्स। सीड्स विद 2 कॉटिलीड्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलीडन्स और डाइकॉट सीड, जिसमें 2 कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं उनको डाइकॉट और डाइकॉटिलीडन सीड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी बीन्स, किडनी बीन्स को के अंदर 2 कॉटिलीडन पाए जाते हैं। ओके, अ कॉर्न सीड हैज़ ओनली 1 कॉटिलीडन, 1 कॉटिलीडन का एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉर्न सीड, और बाई डाइकॉटिलीडन्स का क्या हो जाएगा, किडनी बीन्स, एंड इज हैंस कॉल्ड मोनोकॉटिलीडन्स और मोनोकॉट सीड। ओपन द कॉटिलीडन्स द बेबी प्लांट इन साइड इट इज कॉल्ड द एम्ब्रॉय, जो बेबी प्लांट उसके अंदर पाया जाता है कॉटिलीडन्स के अंदर, अगर हम कॉटिलीडन्स को ओपन करते हैं उसके अंदर बेबी प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय, ठीक है, ये एम्ब्रॉय है। द एम्ब्रॉय हैज़ अ शूट एंड अ रूट, एम्ब्रॉय के शूट होता है और रूट होता है। अब शूट और रूट का क्या काम है, द शूट लेटर ऑन ग्रो अबव द ग्राउंड इन टू द स्टेम एंड द रूट्स स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, जो बीज है अब हम उसको लगा रहे हैं तो जो धरती के नीचे होती हैं जो जड़ें बोलते हैं जिनको, रूट्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, रूट्स, है ना। जो अंडर द ग्राउंड होती हैं वो रूट्स होती हैं, और जो अबव द ग्राउंड होती हैं निकलती हैं, जो स्टेम निकलती हैं, है ना, उनको बोलते हैं शूट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ये जैसे डाइकोट सीड है, ये मोनोकोट सीड है, अब सीड हैं अलग अलग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 कॉटिलीडन पाया गया है और इसके अंदर डाइकोटिलीडन्स, मीन्स ये मोनोकोट सीड है और ये डाइकोट सीड है, इनके जो पार्ट हैं बट वो कॉमन है, जैसे ये एम्ब्रॉय है इसका एम्ब्रॉय ये है, ये सीड लीव्स हैं ये इसका, ये सीड लीव्स ये है, ठीक है। सीड कोट, जो बाहर की जो हमारी लेयर होती है दोनों की ही सीड, उनको दोनों को सीड कोट बोलेंगे, क्लियर। सो नाउ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो स्टीम सीड से ग्रो होते हैं, बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इन टू प्लांट्स, बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इन टू प्लांट, हर एक सीड प्लांट से, सॉरी जो सीड है वो ज़रूरी नहीं है उससे प्लांट बनेगा, ठीक है। प्लांट से क्या होता है, सीड निकलते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सीड से ही प्लांट बनेगा। ओनली राइप एंड हेल्दी सीड्स विच गेट ऑल द फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो अच्छे
सीड्स होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है सारे जो सीड्स पड़े हैं उन सभी के प्लांट्स बनेंगे, नो, जो हेल्दी सीड्स होते हैं, राइप होते हैं, जो पके हुए होते हैं, उनसे क्या होता है, उन्हीं से ही न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म्थ। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है किसके लिए, जिसमें जो सीड है प्रोड्यूस होता है बेबी प्लांट में, जो बीज है वो जब बेबी प्लांट बनता है उसका, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। और सीडलिंग इन द प्रेजेंस, सीडलिंग भी बोलते हैं, जर्मिनेशन भी बोलते हैं ना, सॉरी बेबी प्लांट भी बोलते हैं और सीडलिंग भी बोलते हैं उसको, तो वो किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म्थ, हवा पानी की वजह से ही। अगर हवा पानी नहीं मिलेगा उनको तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इफ़ एनी वन कंडीशन इज मिसिंग द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। अगर तीनों में से ही, उसको गर्माहट भी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, अगर तीनों में से एक भी चीज़ मिस होती है, देन क्या है, जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा, उससे कोई भी प्लांट नहीं ग्रो होगा। इसमें लिखा है आपके नोट में, अ सीड नीड्स गुड सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद एयर, वार्म्थ एंड वाटर टू ग्रो इन टू अ प्लांट। एक सीड को किस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके साथ साथ एयर, वार्म्थ एंड वाटर भी चाहिए, किसके लिए, टू ग्रो इनटू अ प्लांट, प्लांट में ग्रो होने के लिए। एयर किसके लिए ज़रूरी है, एयर इज़ नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। वार्म्थ मेक द सीड एक्टिव, एक्टिव में रखने के लिए उसको वार्म्थ चाहिए। और वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द फूड इनसाइड द सीड टू नरिश द एम्ब्रॉय। वाटर ऑल्सो सॉफ्टन द सीड कोट सो दैट द बेबी प्लांट कैन ब्रेक इट ओपन एंड कम्स आउट। वाटर की ज़रूरत क्या है, कि वो जो सीड कोट है वो उसका सॉफ्ट हो जाए, जिससे जो बेबी प्लांट है वो ईजिली बाहर निकल सके। सॉफ्ट हो जाएगा तो वो उसको ओपन करने में भी उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, जो एम्ब्रॉय होता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट AB। ओके, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।